हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि स्टेडी स्टेट एरर का हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था, ओके एंड उसके बाद में अभी हम स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर रहे थे फॉर ऑल दीज थ्री इनपुट्स, ओके नेक्स्ट। अब इन तीनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। देखो, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ए अपॉन एस, इसका क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर, और इसका क्या होता है, ए अपॉन एस क्यूब। ये मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइम रिस्पॉन्स के फर्स्ट चैप्टर में, ओके देखो आगे। अब अगर मुझे इन इन इनपुट्स के लिए, ये जो मैंने इनपुट दिए हैं, अगर मुझे इन इनपुट्स के लिए अब अगर मुझे स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करनी है, ओके उनको समझना। तो देखो, जब पहला इनपुट मैंने स्टडी स्टेट एरर, जब मैं अगर ए यू टी इनपुट लगाता हूँ तो मुझे कितनी स्टडी स्टेट एरर मिलेगी ए यू टी इनपुट के लिए। देखो, ए यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ ए अपॉन एस, पुट कर दो आप फॉर्मूले में, तो ई एस एस आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो एस इंटू ए अपॉन एस, आर एस की जगह पुट कर दो आप, आर एस की जगह क्या पुट कर दो, ए अपॉन एस, ए यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस जी एस एच एस, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या आ गया, ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो ए अपॉन। अब देखो मैंने क्यों नहीं लिखा आगे लिमिट, आप एक चीज सोचो, ऊपर तो कॉन्स्टेंट बचा ना, नीचे ये वन बचा, तो एस की टर्म सिर्फ कहाँ है, जी एस एच एस में ही तो होंगी, तो लिमिट को अंदर ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एंड जी एस इंटू एच एस। आई होप ये चीज क्लियर हुई। देखो यहाँ पे ये जो टर्म बन गई ना, वॉट, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो जी एस इंटू एच एस, दिस टर्म नोन एज के पी, ओके वॉट इज के पी को बोला जाता है पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट या कोएफिशिएंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, ओके पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट, ओके। और ई एस एस का फाइनल फॉर्मूला क्या बना, ए अपॉन वन प्लस KP, ओके दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द स्टेडी स्टेट एरर, कब, जबकि सिस्टम पे कौन सा इनपुट हो, ए यू टी इनपुट हो, और KP क्या होता है यहाँ पे, पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ओके नेक्स्ट इनपुट की बात करते हैं। नेक्स्ट इनपुट, अब देखो नेक्स्ट इनपुट अपने पास कौन सा है, रैम्प ATUT। अगर मैं रैम्प इनपुट लगाऊं, अगर मैं ATUT लगाऊं, तो ATUT के लिए चेक करते हैं स्टडी स्टेट एरर, ESS इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं आपके सामने ही कर देता हूँ, हेयर ATUT, अगर अपन ATUT लगाएंगे तो यहाँ पे RS की जगह क्या पुट कर दोगे, A अपॉन एस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट S टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एंड S RS की जगह आप पुट कर दो A अपॉन एस स्क्वायर अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एच एस, यही होगा। अब आप देखो ESS इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ये एक एस से एक एस की पावर कट गई, ऊपर बचा ए, एस भी बचा है, मैं उसको नीचे ले आया और मैंने यहाँ पुट कर दिया एस जी एस इंटू एच एस। अब आप एस को पुट कर दो एक बार, सिर्फ इसमें लिमिट सिर्फ इसमें पुट कर दो, बोलो क्या होगा, नीचे आ जाएगा ए अपॉन इस, ये तो जीरो हो गया, और इसके आगे लिख दो, तो लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो, इसमें मत पुट करो नहीं तो जीरो हो जाएगा, ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये जीरो है, और समथिंग अपॉन जीरो ओवरऑल इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ऐसे मत करो अभी, इसको इस तरीके से बना दो, ओके। अब देखो आप एक बार ये चेक करो, देखो पिछला अपन ने जो कोएफिशिएंट बनाया क्या था, जी एस एच एस, उसके ऊपर लिमिट एस्टेंडिंग टूवर्ड जीरो, उसको अपन ने केपी बोला। अब बनेगा आपका अगला कोएफिशिएंट देखो क्या है, अगला कोएफिशिएंट है जो नीचे लिखा हुआ है, दैट इज केवी, दिस इज वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट, पिछला वाला क्या था, पोजिशन एरर कॉन्स्टेंट, दिस इज वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट एंड इट इज लिमिट एस्टेंडिंग टूवर्ड जीरो एस इंटू जी एस इंटू एच एस, ये बन गया आपका केवी, ओके बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और बहुत बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है ये, तो इनको बहुत अभी एक बार समझ लो, मैं इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जिसमें एक बार में पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा। और ई एस एस का फॉर्मूला क्या बन गया भाई, ए अपॉन केवी, इजंट इट, ए अपॉन केवी, जबकि इनपुट कौन सा था, ATUT। लास्ट, अगर आपके सिस्टम पे इनपुट कैसा अप्लाई हो, पैराबोलिक AT²/2UT। अब देखो इसके लिए निकालो ESS कितना आ जाएगा, ESS इज इक्वल टू लिमिट एस्टेंडिंग टूवर्ड जीरो, फॉर्मूला देख लो अपने पास, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लिमिट, फॉर्मूला अपने पास है क्लियर, लिमिट एस्टेंडिंग टूवर्ड जीरो है अपने पास एंड S इंटू RS, RS अपन ने क्या पुट करेंगे, A अपॉन एस क्यूब, तो A अपॉन एस क्यूब अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, बताओ अब क्या होगा, ESS इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो, ये एस से ये पावर टू टाइम्स कैंसिल, ए अपॉन यहाँ पे आ गया एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस,
इसके बाद ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो, आप पहले ये लिमिट इसमें तो पुट कर दो, ये अगेन जीरो हो जाएगा ऊपर वाले की तरह जैसे इसमें कर दिया था। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर तो बचा ए, नीचे आ गया, इसको एक बार में नीचे ही ले आओ, नीचे आ गया लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो एस स्क्वायर एंड जी एस इंटू एच एस, ये आया। अब यहाँ पे अगला कोफिशियंट बन गया, दैट इज के ए, या बुक्स में सिंपली ऐसे भी लिखा रहता है के ए, ठीक है के ए, मैं दोबारा लिख देता हूँ के ए, ओके विद द स्मॉल ए, दिस इज लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो एस स्क्वायर एंड जी एस इंटू एच एस। वॉट इज दिस, ए स्टैंड्स फॉर द एक्सेलरेशन, ओके एक्सेलरेशन, पी स्टैंड्स फॉर द पोजिशन, ए के वी स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी एंड के स्टैंड्स फॉर द एक्सेलरेशन। के को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन एरर कॉन्स्टेंट, ओके। देखो इसके बाद ई एस एस क्या बन गया, ई एस एस बन गया ए अपॉन, ये पूरा का पूरा क्या है नीचे के, तो ई एस एस स्टडी स्टेट एरर हो गई ए अपॉन के ए, ओके। इसको समराइज करते हैं, ठीक है समराइज करते हैं, एंड समराइज करके एक टेबल टाइप बना लेते हैं। देखो अगर आपके पास ए यू टी इनपुट है, अगर आपके पास ए टी यू टी इनपुट है, और अगर आपके पास ए टी स्क्वायर बाय टू यू टी इनपुट है, ठीक है आपको सिस्टम दिया हुआ है, ओके आप सबसे पहले तो कांस्टेंट कौन सा निकालोगे, कौन सा कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे अगर आपको ये इनपुट मिल जाते हैं, तो इसके लिए आप निकालोगे केपी, ओके ए यू टी जब था तो क्या निकल के आया, केपी निकल के आया। अगर ए टी यू टी है तो आप निकालोगे केवी, और अगर पैराबोलिक इनपुट आपको दिखता है तो निकालो के ए। अच्छा फिर स्टडी स्टेट एरर क्या होगी, वो होगी इसके लिए ए अपॉन वन प्लस के पी, इसके लिए हो जाएगी ए अपॉन के वी, और इसके लिए हो जाएगी ए अपॉन के ए। जो अपन ने पढ़ा मैंने उसको समराइज किया है, बस इस टॉपिक में इतना ही है, ठीक है थ्योरी पार्ट यही है। अब सीधे इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं थ्योरी को ही बना दे रहा हूँ, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ही मैं, जिसमें आपको सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर समझ में आएंगे, मैं उसी को एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आप देखो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आप सोचो कैसा था, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जब ओपन लूप था तो ऐसा था वन अपॉन टॉ एस, आप सोचो यही था फर्स्ट ऑर्डर का ओपन लूप। अब फर्स्ट ऑर्डर के ओपन लूप को अगर मैंने क्लोज लूप बनाने की कोशिश की, अगर मैंने उसको क्लोज लूप बनाया नेगेटिव फीडबैक के साथ, तो सोचो यही था ओके। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम के ऊपर, ओके इसका जी कितना है बताओ भाई, जी एस कितना है इसका, जी एस है वन अपॉन टॉ एस फॉरवर्ड गेन, एच एस कितना है इसमें, एच एस वन है, ओके ये सब गिवन है, ठीक है ये सब आप, या इसको मतलब ये सब दिया हुआ है, दिख ही रहा है, ओके। पूछा गया इसमें आपको बोला है स्टडी स्टेट एरर फाइंड आउट करो, ओके कब, जबकि सिस्टम के ऊपर इनपुट हो ए यू टी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर सिस्टम पे इनपुट हो ए टी यू टी, ये दो क्वेश्चन मान लो पूछे हुए हैं, ए टी स्क्वायर बाय टू आप खुद कैलकुलेट करना, ओके नेक्स्ट, ये दो पूछे हुए हैं आपको। अब आप क्या करोगे बताओ, ये आपको स्टडी स्टेट एरर पूछी है, क्या करोगे भाई, मैंने सिंपली बताया जब भी सिस्टम में ए यू टी के लिए बोले तो ए यू टी अगर हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे, के पी निकाल लो आप, के पी सबसे पहले अपन के पी निकालेंगे। के पी क्या होता है भाई, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो, फॉर्मूला है आपके पास के पी का, एंड इट इज जी एस इंटू एच एस, पुट कर दो लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड जीरो जी एस एच एस, जी एस एच एस कितना है भाई, वन अपॉन टो एस, यही है जी एस वन अपॉन टो एस है और एच एस वन है, इसमें एस को जीरो पुट कर दो, कितना आ गया भाई इनफाइनाइट, के पी इनफाइनाइट आ गया। निकाल लो स्टडी स्टेट एरर कितनी हो गई, ए अपॉन स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला ए अपॉन वन प्लस के पी, के पी इनफाइनाइट आया तो ए अपॉन वन प्लस इनफाइनाइट, तो कितना हो गया स्टडी स्टेट एरर कितनी आई, जीरो आ गई, ओके। अब ये क्यों आई है जीरो, इसको भी एनालाइज करो, आप याद करो जब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे, फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप सिस्टम पे, ये क्लोज लूप ही तो है फाइनली, जब मैं इस पे ए इनपुट अप्लाई करता था तो आउटपुट ऐसा ही तो आता था, तो सोचो जब टाइम टी इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या तब तो आउटपुट इनपुट को अचीव कर ही लेगा, जब सिस्टम का सेटलिंग टाइम टी एस फोर टॉ था तो कितना एरर था, यहाँ पे एरर था 2% का, 2% का डिफरेंस था, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, लेकिन जब इनफाइनाइट टाइम आएगा तब तो कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, तो कितनी एरर बचेगी, कितना, कुछ भी नहीं, जीरो, तो इसीलिए तो एरर जीरो आई, जो मैं आपको बोला था इसे हम प्रूव कर देंगे, तो जीरो आ गई ये, ओके नेक्स्ट। एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपका ये वाला। अब आते हैं अगर पैराबॉलिक इनपुट दे देता तो पैराबॉलिक इनपुट, सेकंड क्वेश्चन इसी का, ये फर्स्ट था, दोबारा आप क्या निकालो, सॉरी पैराबॉलिक इनपुट बोला है, पैराबॉलिक अगर इनपुट बोलेगा तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे सिस्टम के लिए, केवी, ओके फाइंड आउट द केवी, केवी केवी क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एस इंटू जी एस इंटू एच एस, फॉर्मूला है अपने पास, केवी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एस तो है ही, जी एस एच एस को पुट कर दो, जी एस एच एस कितना है, वन अपॉन टो एस, सेम ही है वो तो,
तो कितना आ गया ये, एस से एस कैंसिल आउट हो गया और कितना आ गया 1/टॉप, ये आ गया 1/टॉप। ओके अब के वी 1/टॉप आ चुका है और अब मुझे निकालना है स्टडी स्टेट एरर। तो एटी यूटी पैराबोलिक के लिए, सॉरी रैम के लिए अपने पास स्टडी स्टेट एरर क्या होती है, ए अपॉन के वी, आप निकाल लो ए अपॉन के वी। तो ए अपॉन के वी, यहाँ पे के वी को पुट कर दो 1/टॉप, तो ए अपॉन 1/टॉप एंड इट विल बिकम 1/, सॉरी ए इंटू टॉप। ओके इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एक और इसी में थ्योरी वाला पार्ट है जो बताता हूँ, इसी मतलब ये थ्योरी का पार्ट हो गया एक तरह से। आपको अगर बोले कभी कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसमें क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें मैंने इनपुट लगाया पैरा रैम, तो बताओ कितनी एरर आएगी, तो 8 एरर आएगी। ओके 8 एरर जनरेट हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं अपन। सपोज अगर मुझे बोला गया है कि मेरा सिस्टम कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर है। ओके क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सेकेंड ऑर्डर है, और सेकेंड ऑर्डर का याद करो ओपन लूप यही होता था, सेकेंड ऑर्डर 2 जीटा ओमेगा, ये था सेकेंड ऑर्डर का ओपन लूप। और इसको क्लोज लूप कैसे बनाया था अपन ने, लाइक दिस, नेगेटिव फीडबैक देके और इसको अपन ने क्लोज लूप जनरेट कर लिया था। तो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका ये ओपन लूप जीएस ये हो गया, एचएस वन है, और आपको यहाँ पे भी बोल दिया क्वेश्चन में कि जब सिस्टम पे एयूटी इनपुट हो और जब सिस्टम पे क्या हो एटीयूटी इनपुट हो तो स्टडी स्टेट एरर क्या होगी फाइंड आउट करो। तो सेम आपको जब भी एयूटी इनपुट देगा तो आप हमेशा सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, केपी। ओके केपी का आपके पास फॉर्मूला है, केपी का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो जीएसएचएस। तो केपी निकाला मैंने, केपी फॉर्मूला है, मैं बार बार नहीं लिख रहा इसे, केपी लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो जीएसएचएस जीएसएचएस। इस बार जीएस कौन है, इस बार जीएस है ये, तो पुट करो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एचएस, कितना है एचएस तो वन ही है, यही रहेगा, एस को जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो पुट करते ही क्या हो जाएगा बताओ भाई, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन जीरो, तो इनफाइनाइट हो गया। अच्छा यहाँ से निकाल लो स्टडी स्टेट एरर, स्टडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन 1 प्लस केपी, तो ए अपॉन ए तो दे ए तो ए ही है ना, यहाँ पे सपोज यहाँ पे इनपुट होता 2 यूटी तो ए की वैल्यू 2 होती तो 2 रख देते, अभी ए ही है तो ए, और 1 प्लस इनफाइनाइट और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा ये 0। ओके ये क्यों 0 आया है आप सोचो, देखो क्या हो रहा है, एज्यूम कर लेते हैं कि सिस्टम अंडरडैम्ड है, एज्यूम कर लेते हैं सिस्टम अंडरडैम्ड है। ओके अगर मेरा सिस्टम अंडरडैम्ड है तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सिस्टम अंडरडैम्ड दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर है ना, तो चारों में से कोई ना कोई एक टाइप तो होगा, तो मान लेते हैं सिस्टम अंडरडैम्ड दिया हुआ है। अब आप सोचो अंडरडैम्ड सिस्टम पे कैसा इनपुट लगाया है, ए स्टेप इनपुट, आउटपुट ये कर्व कैसा आएगा ऐसा, तो आप खुद सोचो जब स्टडी स्टेट, जब टाइम टी टेंडिंग टूवर्ड्स क्या आएगी इन्फिनिटी आएगी, फाइनल टाइम आएगा, तो क्या उस टाइम तक इनपुट आउटपुट का अचीव, आउटपुट इनपुट का अचीव नहीं कर लेगा, कर लेगा, तो एरर कितनी आएगी, ये ईएसएस स्टडी स्टेट एरर यहाँ पे सिस्टम में कितनी बचेगी, लास्ट में 0 बचेगी, तभी तो 0 आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड, अगर मान लो सेकंड क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर एटीयूटी इनपुट दिया, अगर एटीयूटी इनपुट अपन लगा दें तो एटीयूटी के लिए बताओ आप क्या निकालोगे, पिछले क्वेश्चन में अभी किया है, एटीयूटी इनपुट के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, केवी, केवी, तो केवी इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास में, लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एस इंटू जीएसएचएस, जीएस जीएस कितना है, जीएस दिया हुआ है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एच एस वन है, एस से एक एस कैंसिल आउट हो गया, अब इस एस को यहाँ जीरो पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना बचा भाई, के वी आ गया मेरे पास में ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन 2 जीटा ओमेगा एन, एक ओमेगा एन से एक पावर कैंसिल आउट, तो ये आ गया ओमेगा एन अपॉन 2 जीटा। ओके यहाँ से आते हैं स्टडी स्टेट एरर पे, स्टडी स्टेट एरर क्या होती है इसके लिए रैंप इनपुट के लिए, ए अपॉन के वी, तो ए अपॉन के वी, तो ए अपॉन ओमेगा एन अपॉन 2 जीटा, ऊपर ले जाओ इसे, तो 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन इंटू ए, आप खुद सोचो कुछ ना कुछ फाइनाइट एरर आ गई, 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन इंटू ए, एक फाइनाइट एरर डेवलप हो गई है। अब ये क्या है, ये कौन सी एरर है, तो अब आप सोचो दिमाग लगाओ सिस्टम कैसा है, कैसा एज्यूम किया है सिस्टम, अंडरडैम्ड, इनपुट कैसा दे रहे हो उसके ऊपर, इनपुट कैसा दे रहे हो, इनपुट मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, सिस्टम कैसा है अंडरडैम्ड है, और इनपुट कैसा दिया है आपने उस बार, उसके एटीयूटी इनपुट दिया है, तो ये इनपुट दिया है ना भाई, और इस इनपुट के लिए आप याद करो कैसा आउटपुट आता था, लाइक दिस ये, तो जब आपका सिस्टम सेटल हो गया उसके बाद कितना भी टाइम आगे बढ़ा लो इनपुट ऐसे चलेगा और आउटपुट ये चल रहा है, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। तो हमेशा कुछ ना कुछ फाइनाइट एरर, किसी भी टाइम पे निकाल के देख लो, हमेशा कुछ ना कुछ एरर बाकी है ना, ये फाइनाइट कांस्टेंट एरर बाकी है, तो यही तो एरर है ईएसएस जो हमने फाइंड आउट किया, और कितनी आई है ये
टू जीटा अपॉन ओमेगा एन इंटू ए। अगर आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पे एटीयूटी इनपुट अप्लाई करोगे, रैंप इनपुट अप्लाई करोगे, दैट इज लाइक दिस, तो एक एरर बाकी रहेगी टू जीटा अपॉन ओमेगा एन इंटू ए और इस टाइप से। आई होप अब ये पॉइंट पूरा आपको, जो कल मैंने आपको कर्व बताए थे वो भी आपको समझ में आया हूँ पिछले लेक्चर्स में जो आपको बताए थे। ओके एंड अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन इसका, ठीक है। जैसे लेट्स से अपने को बोला हुआ है कि मैं आपको कोई गेट का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके लेट्स से कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। लेट ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3.4, ठीक है, आपको शीट में मिल जाएगा, थर्ड चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन एंड दैट इज ऑफ 1991 क्वेश्चन, ठीक है, 1991 का है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है भाई, क्या दे दिया, HS1 है ये, उसने खुद ने दे दिया अपने को। इसके बाद बोला हैज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS, ठीक है, GS उसका कितना है, GS है 4 1 प्लस 2S अपॉन S स्क्वायर एंड S प्लस 2, ये है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, इफ द इनपुट ऑफ द सिस्टम इज अ यूनिट रैंप, अगर सिस्टम का इनपुट क्या है, इनपुट है यूनिट रैंप। देखो रैंप क्या होता है, रैंप होता है ATUT, यूनिट रैंप का मतलब A1 हो गया, तो सिस्टम का इनपुट कैसा है, मैं अब लिख देता हूं एक बार तो ATUT, बट इसके आगे ये भी लिख देता हूं कि यूनिट रैंप है, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। आगे द स्टडी स्टेट एरर विल बी ESS कितना होगा ये पूछा है, तो सिंपली कैसा इनपुट दिया है भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनपुट कैसा दिया है, इनपुट दिया है रैंप, क्या निकालोगे, सबसे पहले KV निकालोगे, KV क्या होता है, लिमिट S टेंडिंग टूवर्ड 0 S इंटू GS इंटू HS, निकाल लो इसे, KV इज इक्वल टू लिमिट S टेंडिंग टूवर्ड 0 S, GS कितना दिया है, GS दिया है 4 1 प्लस 2S अपॉन S स्क्वायर एंड S प्लस 2, HS कितना है, HS 1 है, तो एक S से ये पावर कैंसिल आउट, S को जैसे ही 0 पुट किया KV कितना हो गया, KV हो गया 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो फिर स्टडी स्टेट एरर कितनी होती है इसके लिए, A अपॉन KV, A की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, 1, KV कितना आया, इनफाइनाइट, तो स्टडी स्टेट एरर कितनी हो गई, 0, एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर A, ओके, ये आंसर बन गया। तो इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन है, मैं अभी ज्यादा क्वेश्चन आपको इसलिए भी नहीं करा रहा ताकि आप एक बार खुद ट्राई करो पहले क्वेश्चंस को, ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे आप ट्राई करो, ओके। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई होगी, जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा फाइनल वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में मैं बोल देता हूं FVT, फाइनल वैल्यू थ्योरम, FVT, फाइनल वैल्यू थ्योरम। देखो ये क्या होती है, फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है ये थी, अभी अपन ने देखा कि अगर किसी सिग्नल की मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी है t टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी x ऑफ t, तो ये क्या होती है, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 s इंटू x ऑफ s, यही थी ना, सिग्नल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को s से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 0 पुट कर दो, अगर इधर इन्फिनिटी है तो इधर 0 होता है, दिस इज फाइनल वैल्यू, क्योंकि मैं सिग्नल की टाइम डोमेन में t टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी यानी टाइम t इन्फिनिटी पे फाइनल वैल्यू निकाल रहा हूँ, इक्वल टू इन्फिनिटी फाइनली तो ही, उसके बाद थोड़ी कोई टाइम आएगा, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस सिग्नल। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो, इनिशियल बिल्कुल इनिशियल वैल्यू, जैसे ही आपने अप्लाई किया टी इक्वल टू जीरो पे, उस टाइम पे सिग्नल की वैल्यू, तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू, ये थ्योरम क्या होती है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है, अगर इधर जीरो है तो इधर इन्फिनिटी कर दो, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम रहता है एस इंटू एक्स ऑफ एस, ओके। तो कुछ क्वेश्चन में ये थ्योरम भी अप्लाई होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप अप्लाई करना इसे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ये भी अप्लाई होने वाली है इनिशियल वैल्यू थ्योरम भी। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, आपको क्वेश्चंस में जहां पे भी डाउट आएंगे, जो भी टॉपिक थ्योरी में रह गए हैं, वो जब आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछोगे, मैं वहां पे आपको ग्रुप पे जो भी डाउट पूछोगे उसके जब सॉल्यूशंस बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, रेदर देन मैं अभी जबरदस्ती में आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स बताता रहूं, ओके। अब आप प्लीज क्वेश्चन स्टार्ट करो, इसके कल तक इसके क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, आज रात में इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर दो आप, और कल आप मेरे से डाउट, इसके डाउट आप पूरे ग्रुप पे डाउट पूछो, कल मैं इसके सॉल्यूशन वीडियो आपको बना बना के पूरे दे दूंगा, ओके, गुड बाय।